ऑनलाइन ठगी के मामले की रोकथाम के लिए जबलपुर पुलिस ने जिले के सभी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। जैसा कि आपको विदित है, अभी इस आधुनिक काल में बैंक से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं एवं बैंक के अंदर जो घटनाएं होती हैं, जिसमें कि पुलिस जो FIR करके उसमें विवेचना करती है, उसमें उसकी पुलिस की जो सक्सेस है काफ़ी हद तक बैंक के कोऑपरेशन पे भी डिपेंडेंट रहती है। इसी तारतम्य में आज कंट्रोल रूम में जबलपुर जिले के जितने ही बैंक हैं उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया, उनको सेंसिटाइज किया गया। मुख्य तौर पर जैसे ATM सिक्योरिटी है, ATM के गार्ड रखना और विभिन्न तरीके फ्रॉड्स जो आम जनता के साथ होते हैं उस केस में कैसे पुलिस के साथ सहयोग करना, जिससे उनका जो पैसा जो अगर निकल जाता है तो कैसे वापस हो, और कुछ अन्य जो बैंक से रिलेटेड जो धोखाधड़ियाँ जो होती हैं वो भी इनको जो फीडबैक पुलिस का भी दिया गया, उनके पॉइंट्स भी जो हैं फीडबैक उनको हमने समझा, और कुल मिलाकर बैठक बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है आगे इसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। बैंक और पुलिस में आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बैंक अधिकारियों से अपील की। बैंक अधिकारियों को बैंक में अकाउंट सोर्स के माध्यम से लगे सुरक्षा गार्डों की जानकारी, बैंकों में अलार्म सहित अनेक मुद्दों पर जानकारियां दी गई और पुलिस का सहयोग किस प्रकार जनता के हितों के लिए लिया जाए इस पर चर्चा की गई। आज मीटिंग हुई थी SP साहब के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में, इसमें बेसिकली बैंकर्स और जो पुलिस प्रशासन है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उस पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई। खासकर जो सुरक्षा इंतजाम बैंकों में ज़रूरी हैं, जैसे सायरन और अलार्म सिस्टम, CCTV कैमरास और इन सब चीज़ों पर बहुत विस्तृत से बात हुई है। सुरक्षा गार्ड्स और जो आउटर एजेंसी जो थर्ड पार्टी हम लोग सेवाएं लेते हैं थर्ड पार्टी से, उनके लिए वेरिफिकेशन जो है बेसिकली जो उनका पुलिस में वेरिफिकेशन होना चाहिए प्रॉपरली, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और दोनों तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि एक अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा बैंक और पुलिस प्रशासन में। हम लोगों ने अपने ईमेल जो एड्रेस हैं सारे बैंकों के वो उन्होंने दिए हैं, और उनसे भी हम लोगों ने अपने उन कॉन्टेक्ट लिए हैं जो पर्टिकुलर थाना प्रभारी हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश हुई है, और SP साहब का ये मानना है कि इस प्रकार की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, तो ये एक आज की मीटिंग का एक सार था। ये जो ऑनलाइन जो ठगी का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हजारों केस पेंडिंग हैं। जी 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 जी, एक्चुअली इसमें कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं, तो बेसिकली ये जो गैंग होते हैं जो फ़ोन पे कस्टमर से बात करते हैं, इनसे बेला फुसला के OTP ले ली जाती है इनसे, तो इनके उसका निराकरण कैसे किया जाए? एक्चुअली वो साइबर सेल का मामला होता, क्योंकि बाहर से कहीं से फ़ोन आते हैं तो उनके निपटने का अलग है। और जो एक जो छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं, जैसे किसी का पैसा कट गया, पैसा नहीं निकला, तो वो भी कस्टमर एकदम से घबरा जाता है कि नहीं हमारा पैसा निकल गया तो ये फ्रॉड हो गया, तो उसका एक सिस्टम अलग होता है जिसमें हम लोग बैंक वाले हैं, इसको एक सेटलमेंट टाइम होता है। सेटलमेंट टाइम में अगर पैसा वापस नहीं आया तो फिर उस पर आगे कार्रवाई होती है, वरना उतना उनका पैसा वापस आ जाता है, वो खाते में वापस जमा हो जाता है। आप ग्राहकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन ग्राहकों को मैसेज बहुत ग्राहकों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आए दिन खबरें आती हैं कि ATM कार्ड का नंबर और OTP पूछकर जनता की कमाई को लूट लिया जाता है। इसे रोकने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों को जानकारियां दी। बैंक अधिकारियों ने भी पुलिस को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।